भारत में बौद्ध धर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महान मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का संरक्षण किया। अशोक ने बौद्ध धर्म के महायान का संरक्षण नहीं किया था, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है कनिष्क के टाइम चौथी बौद्ध संगति में महायान और हीनयान के रूप में टूटा था, तो अशोक के समय ये एक ही धर्म था। वैसे अशोक के विचारों को माना जाए तो वो हीनयान के विचार को मानते थे, तो ऑप्शन ए गलत होगा। त्रिपिटक का विनय पिटक बौद्ध धर्म के मठ वासियों के नियमों और विनियमों से संबंधित, ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हर्ष ने हीनयान के सिद्धांतों को प्रचारित करने के लिए कन्नौज में बौद्ध धर्म की भव्य सभा आयोजित की। नहीं, जो हर्ष थे वो महायान शाखा से रिलेटेड थे, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित स्थानों पर चार बौद्ध परिषदें आयोजित की गई, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उसे कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले हुआ था राजगीर में, जिसे अजातशत्रु ने कराया था, उसके बाद हुआ था वैशाली में, जिसे कालाशोक ने कराया था, और तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, जिसे महान अशोक ने कराया था, और पांचवा हुआ था कश्मीर के कुंडन वन में, जिसे कनिष्क ने कराया था। तो पहला हो गया आपका राजगीर 2, दूसरा हो गया वैशाली 2-1, राजगीर वैशाली पाटलिपुत्र और कुंडन वन। निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया? चौथी बौद्ध संगति का अभी मैंने बताया कि कनिष्क ने कराया था कुंडन वन में, कनिष्क। स्वर्ण भूमि का शासक जिसे नालंदा में बौद्ध मठ की स्थापना की और अपने राजदूत के माध्यम से देवपाल से इसके रख रखाव के लिए 5 गांव देने का अनुरोध किया, ये बालापुत्र देव थे। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुकों के लिए नियम शामिल है, ये आपका विनय पिटक है। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष थे, अश्वघोष जो थे बुद्ध चरित्र के लेखक थे, जो कि कनिष्क के दरबार में दरबारी थे। कनिष्क के दरबार में और भी लोग थे, जैसे वसुमित्र थे, ये भी बौद्ध भिक्षुक थे। नगार्जुन थे, जिन्होंने मध्य मार्ग और शून्यता की खोज की। चरक थे। महाकश्यप की अध्यक्षता में किस बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? महाकश्यप की अध्यक्षता में पहली बौद्ध संगति का राजगीर में आयोजित किया गया, जिसको अजातशत्रु ने आयोजित कराया। कौन मानता था कि हमारे कृत्य का परिणाम ही कर्म है? बुद्ध मानते थे कि हमारे कृत्य का परिणाम ही कर्म है। एक्चुअली में बुद्ध जो थे वो ईश्वर में विश्वास, ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि हमारे जीवन में जो भी दुख है उसका 5% कारण प्राकृतिक जनित है, जैसे आंधी तूफान, जो भी प्राकृतिक जनित है। बाकी 95% दुखों का कारण हम लोग खुद हैं, हमारा मनुष्य और हमारा समाज है। तो हम लोग अपने अंदर प्यार और करुणा रखकर और समाज में प्यार और करुणा का भाव फैला करके अपने 95% दुखों को ख़त्म कर सकते हैं और हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। उबेरी कौन थी? उबेरी एक बौद्ध मठ वासिनी थी। एक्चुअली उबेरी एक साधारण महिला थी, जिसकी बेटी का नाम जीवा था। जीवा की मौत हो जाती है तो वो रोती रहती है, उसी समय उसका मुलाकात गौतम बुद्ध से होता है और गौतम बुद्ध के विचारों से वह एक बौद्ध भिक्षुक बन जाती है। कौन सा दर्शन महायान बौद्ध धर्म से जुड़ा है? महायान बौद्ध धर्म से शून्यवाद जुड़ा है, जिसको नगार्जुन ने स्टार्ट किया था। नगार्जुन कनिष्क के दरबार में रहते थे। महायान ने, जैसे आपका बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में चौथी जो संगति हुई थी कुंडल वन कश्मीर में, उसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान। तो हीनयान जो शाखा था वो बुद्ध के मूल शिक्षणों में विश्वास रखता था, जैसे कि आत्म अनुशासन और ध्यान के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त करना चाहता था। और जो महायान था, महायान सखा जो थी वो, उसमें मूर्ति पूजा भी की जाती थी। महायान सखा ही आगे चल करके 3 भागों में डिवाइड हो गया। पहला था बोधिसत्व क्वान आम, ये बुद्ध की दया को दर्शाती है और इनकी जितनी भी मूर्तियां हैं उनके हाथ में एक जलपात्र हुआ करता था। और दूसरा था बोधिसत्व पद पाणी, ये जो बुद्ध की करुणा को दर्शाती थी और उनके हाथ में कमल का फूल हुआ करता था। और तीसरा जो बोधिसत्व ब्रज पाणी था, उसमें बुद्ध की शक्ति को दर्शाया गया है। ब्रज पाणी की जितनी भी मूर्तियां हैं उनके हाथों में वज्र यानी हथियार हुआ करते थे। ब्रज पाणी की जो मूर्तियां हैं, जैसे 4 हाथ वाली मूर्तियां, 4 मुख वाली मूर्तियां, हथियार पकड़े हुए सैकड़ों हाथ वाली मूर्तियां, और जो भी बुद्ध की मूर्तियां थी या बोधिसत्व की मूर्ति, बोधिसत्व वो होते थे जो कि ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध की तरह हो जाते थे, उन्हें बोधिसत्व कहा जाता, जैसे अलोकेतेश्वर हो गया, मंजूश्री थे, मैत्रेय थे, वज्रपाणि थी। तो मंजूश्री की जो मूर्ति मिलती है वो दुर्गा माता जो हिंदू धर्म की है उनसे बिल्कुल मिलती जुलती रहती है, लेकिन उनके बौद्ध धर्म का जितने भी मूर्तियां हैं सब कमल के फूल पर बनाए जाते थे।